Hello everyone. So now we'll start with the another biasing circuit, that is the voltage divider or the self biasing circuit. Now this biasing circuit is the most commonly used biasing circuit in the transistor. ठीक है, ये हम देखेंगे अभी that why is it the most commonly used biasing circuit. यहाँ पर हम देखेंगे कि with the help of this biasing circuit we can stabilize the transistor or you can say that we can stabilize the operating पॉइंट. नाउ इसका जो सर्किट डायग्राम होता है, दिस इज द वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट. हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है, वी हैव दिस कलेक्टर रेजिस्टेंस, दिस एमिटर रेजिस्टेंस, दिस इज द पावर सप्लाई वीसीसी, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द बेस एमिटर वोल्टेज, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज. ना अगर हम कहें हमारा जो इतना पोर्शन है, ये पोर्शन हमारा सेम है एज दैट ऑफ दैट एमिटर बेस बायस सर्किट. ठीक है, नॉट एमिटर बेस बायस सर्किट, दैट इज द एमिटर फीडबैक बायस सर्किट. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बायस सर्किट विद एमिटर रेजिस्टेंस और द एमिटर फीडबैक बायस सर्किट. तो इतना हमारा सिमिलर है, डिफरेंस कहाँ पर है हमारा, जो हमारा एमिटर फीडबैक बायस सर्किट था वहां पर हमने एक रेजिस्टेंस यूज करी थी, दैट इज द बेस रेजिस्टेंस. यहाँ पर इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सिंगल रेजिस्टेंस आर बी, वी आर यूजिंग टू रेजिस्टेंसेस, सो वी हैव दिस एडिशनल रेजिस्टेंस आर टू. आर वन जो है इट इज सेम एज दैट ऑफ आर बी ओनली, यहाँ पर बस हम उसको आर वन से डिनोट कर रहे हैं. एंड दिस इज द अनदर एडिशनल रेजिस्टेंस आर टू दैट इज कनेक्टेड बिटवीन द बेस एंड द ग्राउंड. एंड वाई वी आर यूजिंग दिस एडिशनल रेजिस्टेंस, वी आर यूजिंग दिस एडिशनल रेजिस्टेंस बिकॉज इन सम केसेस वी कैन रिक्वायर अ हाई power supply. So when the voltage from a power supply is too large, that means when we are considering VCC to be very large, so we cannot apply this large voltage directly to the base. Agar hum isko apply karenge directly to the base through this resistance R1, and if we are considering VCC to be very large, then in that case what happens, it will increase the reverse biasing of emitter base junction. To wo hamare liye thodi si problem ho jayegi. So when the voltage from a power supply is too large to apply directly to the base, we oftenly use a voltage divider circuit. Now in the voltage divider circuit, what we have in this, an additional resistance R2 is connected between the base and the ग्राउंड. ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक डिफरेंस आता है बिटवीन द एमिटर फीडबैक बायस सर्किट एंड द वोल्टेज डिवाइडर और द सेल्फ बायसिंग सर्किट. So now in this figure, a single supply voltage VCC has been used. By selecting suitable values of R1 and R2, we can lower the applied voltage as desired. जितनी वोल्टेज हमें चाहिए across this base, or you can say that जितनी हमें बेस एमिटर वोल्टेज चाहिए उसके accordingly we can set the values of resistances R1 and R2. Here we are calling this base resistance RB as R1. ये मैंने just अभी बताया था. R1 जो है इसका function वही है जो RB का function था. यहाँ पर instead of using a single resistance, we are using two resistances R1 and R2, so that by selecting the suitable values of R1 and R2, we can lower the applied voltage as we desire. ठीक है, so this voltage divider जो है, it is formed by the resistances R1 and R2. यहाँ पर हम शो करेंगे कि जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है, इट कैन अप्रोक्सीमेटली बी मेड इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा. अगर हमारा अभी हमने जितने भी बायसिंग सर्किट्स देखे वहां पर हमें यही प्रॉब्लम आ रही थी कि टेम्परेचर जब हमारा इंक्रीज होता है तो उस केस में हम फिर भी अपना कलेक्टर करंट जो है उसको एक लेवल तक जो है हम कांस्टेंट रख सकते हैं, लेकिन हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो बीटा के इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहा था. तो यहाँ पर हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट वी कैन अप्रोक्सीमेटली मेड द ऑपरेटिंग पॉइंट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा. इस वजह से इस सर्किट को हम बायसिंग सर्किट इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा भी बोलते हैं. नाउ वील नाउ कंसीडर द इनपुट सेक्शन एंड द आउटपुट सेक्शन ऑफ दिस सर्किट. वील राइट द इक्वेशंस यूजिंग द किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड देन वील सी
हाउ वी कैन मेक ऑपरेटिंग पॉइंट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा. सो फर्स्ट वील कंसीडर द इनपुट सेक्शन ऑफ द वोल्टेज डिवाइडर सर्किट. नाउ फर्स्ट आई विल शो यू द इक्विवेलेंट ऑफ दिस वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट. हमने इसको यहाँ पर इस फॉर्म में बनाया क्यों, थोड़ा सा ताकि देखने में सिंप्लीफाइड लगे और इक्वेशंस जो है उसको लिखने में हमें दिक्कत नहीं आए. तो हमारे पास एक कॉमन वीसीसी सप्लाई है, उसको हमने यहाँ दो सप्लाई वोल्टेज की तरह शो किया है, बट एक्चुअली में ये एक ही सप्लाई वोल्टेज है. विल सी द रेजिस्टेंस आर वन एंड आर टू कैन बी सेलेक्टेड इन सच अ वे दैट बेस करंट इज वेरी स्मॉल. हमें रेजिस्टेंस आर वन और आर टू को इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि जो हमारा फॉरवर्ड बायसिंग है एमिटर बेस जंक्शन की वो कम हो. ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग अगर कम होगी सो दैट मींस हमारा बेस करंट जो है वो भी स्मॉल होगा. ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे, किस तरीके से हम R1 और R2 को सेलेक्ट करेंगे कि हमारा बेस करंट जो है वो स्मॉल हो. ये हम कर सकते हैं इफ आई कंसीडर इनपुट रेजिस्टेंस R1 टू बी मच लार्जर देन R2. ठीक है, एज IB इज वेरी स्मॉल द करंट I1 फ्लोस थ्रू R1flows almost through R2, so we can write I1 is equal to I2 equal to I. Now, इस लाइन का क्या मतलब है, ये कह हमने पहले बोला था that we have to select the resistances R1 and R2 in such a way that we can lower the applied voltage as desired. That means we can make the base current to be very स्मॉल. ठीक है, इसके लिए वी हैव टू कंसीडर आर वन टू बी मच लार्जर देन आर टू. क्यों, देखो वीसीसी से हमारे पास जो सबसे पहले वोल्टेज जा रही है इट इज गोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस आर वन. अगर हमारा आर वन जो है वो ज्यादा होगा देन मोस्ट ऑफ द वोल्टेज जो है वो हमारी ड्रॉप हो जाएगी अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस आर वन और हमारे पास जो है VBE जो हमारी बेस एमिटर वोल्टेज है वो हमारी कम हो जाएगी और हमारा आई बी जो है वो भी स्मॉल हो जाएगा. अगर हमारा आई बी स्मॉल हो गया तो आई वन जो है हमारा इट विल बी नियरली इक्वल टू आई टू. क्यों, देखो यहाँ से हमारा करंट आई वन जा रहा है फिर ये दो में स्प्लिट अप हो गया. ठीक है, यहाँ पर जो हमारा करंट गया दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई बी विच इज द इनपुट करंट द बेस करंट और जो हमारा करंट गया टूवर्ड्स द रेजिस्टेंस आर टू दैट इज लेट्स से आई टू. सो आई वन इज इक्वल टू आई टू प्लस आई बी. आई बी जो है वी आर कंसीडरिंग टू बी वेरी स्मॉल सो इन दैट केस वी कैन से दैट आई वन इज इक्वल टू आई टू लेट इट बी इक्वल टू आई. अब देखो अगर R1 के अक्रॉस और R2 के अक्रॉस सेम करंट फ्लो कर रहा है देन वी कैन से दैट दीज R1 एंड R2 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड वी कैन राइट VCC इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2. R2 जो है हमारा रेजिस्टेंस इट इज ग्राउंडेड हियर. So we can write VCC as I1 R1 plus I2 R2. ठीक है, ये हम तभी लिख सकते हैं when we are considering our IB to be very small. For IB to be very small, we are considering R1 to be very very greater than R2. ठीक है, so for this R1 and R2 जो हैं they are now we can say that connected in series. So we can write VCC as I into R1 plus R2. So this gives the current I as VCC upon R1 plus R2. Now what will be the voltage across the resistance R2? Voltage, let's say V2 जो है, this is the voltage across the resistance R2. That will be equal to R2 into उसके across जो current flow कर रहा है, I2 flow कर रहा है, और I2 जो है, उसको हमने लिया, it is nearly equal to I1 equal to I. तो हमारी जो voltage होगी across the resistance R2, that will be equal to I into R2. And this is same as the base voltage VB. Base voltage हमारी VB क्या है? This is the voltage at the base, ठीक है? And that will be nothing but the voltage across this resistance R2. अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ इस पॉइंट पे, ठीक है, VBE हमारा क्या होता है, VBE is VB minus VE.
बेस टू एमीटर वोल्टेज वीबीई इज नथिंग बट वीबी माइनस वीई. सो वीबी इज रिप्रेजेंटिंग द वोल्टेज एट द बेस, दिस इज नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस आर टू. ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू आई इंटू आर टू. सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ आई, हमने आई की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया वीसीसी अपॉन आर वन प्लस आर टू, तो वीबी हमारा हो गया आर टू अपॉन R1 plus R2 into VCC. Now what will be the base emitter voltage? This is VB minus VE. तो VE हमारा कितना आ गया? VB minus VBE. ठीक है, now what will be the emitter current? जो हमारा emitter resistance है RE, उसकी जो वोल्टेज है, वोल्टेज एट द एमीटर हमारी कितनी आई है? वो आई है VE, that is equal to VB minus VBE. And we know that IE जो है that will be equal to VE upon RE. VE हमारी वोल्टेज है at the emitter, so that will be equal to IE, the current across this resistance RE, or the current flowing through the emitter terminal into RE, that is the emitter resistance. So we can write the current in the emitter IE as VE upon RE. VE हमारा कितना आया? VB minus VBE. ठीक है, so IE becomes VB minus VBE upon RE. Next, what we are considering, IE हमारा कितना होता है? That is equal to IB plus IC. We are considering IB to be very small, so IC जो है, it will be nearly equal to IE. Next, अब देखो यहां से हमें एक चीज पता चल रही है. सबसे पहले देखो VB जो हमारी वोल्टेज है एट द बेस, दैट इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू VCC. जो मैथमेटिक्स है इसमें सारा, जो इक्वेशंस है वो तो तुम लोग समझ लोगे. जो अब इस मैथमेटिकल जो हमारी इक्वेशंस आई हैं, इनको अब हमें समझना है. इसके अंदर फिजिक्स छुपी है दैट हाउ वी कैन स्टेबलाइज द ऑपरेटिंग पॉइंट. तो वो जो है अब हम यहाँ पर देखेंगे. VB हमारा क्या है? R2 upon R1 plus R2 into VCC. VCC जो है हमारा fixed है, R1 और R2 भी हमारा fixed है. So from this we can say that our base voltage VB is fixed. ठीक है, हमारा जो बेस एमीटर वोल्टेज होता है वो बहुत स्मॉल होता है. वी आर कंसीडरिंग द स्मॉल फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ एमीटर बेस जंक्शन अराउंड 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन, 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम ट्रांजिस्टर. सो VBE इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन से दैट VE इज नियरली इक्वल टू VB. सो इफ VB इज फिक्स्ड, आई कैन से दैट VE जो है इट इज ऑल्सो फिक्स्ड. अगर हमारा VE फिक्स हो गया, RE तो हमारा एमिटर रेजिस्टेंस है जो हमारा फिक्स्ड है ऑलरेडी सर्किट में, और VE को हमने फिक्स कर दिया, इसका मतलब वी हैव फिक्स्ड द एमिटर करंट. ठीक है, IE हमारा क्या होता है? IC plus IB. IB is very small, so IC is nearly equal to IE. So this shows that IC जो है it is also fixed. ठीक है, I'm repeating it again. VB is fixed. If VB is fixed, here we have seen that VB is fixed. If VB is fixed, that means VE is fixed. If VE is fixed, that means IE is fixed. If IE is fixed, then we can say that our IC जो है it is also fixed. और यहाँ पर देखो कहीं पर भी बीटा की कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रही, मतलब जो हमारा कलेक्टर करंट है it is independent of the value of current gain beta, and this we can fix now. ठीक है, next we'll see what happens to the collector to emitter voltage VCE. So that we'll see from the output circuit. Now apply the Kirchhoff's voltage law to the output circuit. क्या होगा? This one VCC जो है हमारा that will be equal to ICRC plus VCE plus IE RE. ठीक है, तो VCE हमारा कितना हो गया? This will be equal to VCC माइनस ICRC माइनस IERE. ये इक्वेशन हमारी कैसे आई? सिंपली किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाया हमने आउटपुट सर्किट में. VCC इज इक्वल टू VCE प्लस ICRC प्लस IERE. सो VCE कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म. ठीक है, नेक्स्ट
आईई को हम लिख सकते हैं एज आईसी, बिकॉज आई भी हमारा बहुत स्मॉल है, सो आईई इज नियरली इक्वल टू आईसी. तो वीसीई बिकम्स वीसीसी माइनस, इफ आई टेक आईसी कॉमन इन ब्रैकेट आई हैव आरसी प्लस आरई. अब इस इक्वेशन में देखो वीसीसी हमारा फिक्स्ड है, रेजिस्टेंसेस आरसी और आरई हमारा फिक्स्ड है, VCE जो है इट इज डिपेंडिंग अपॉन दिस कलेक्टर करंट IC. तो अगर हमारा IC जो है इफ इट इज इनवेरिएंट और इफ इट इज नॉट वेरिंग मच, देन इन दैट केस वी कैन फिक्स आवर VCE आल्सो. और हमने अभी जितनी भी एक्सप्रेशंस लिखी, हमने सारी एक्सप्रेशंस में देखा बीटा हमारा किसी भी एक्सप्रेशन में नहीं आ रहा. Now it may be seen that in the above relations, beta does not appear in any of the relations. So it means that our operating point is independent of the value of beta. Thus, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जब हम एक ट्रांजिस्टर को सर्किट में दूसरे ट्रांजिस्टर से रिप्लेस करें ऑफ द सेम टाइप इफ वी आर यूजिंग द वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग. अगर हम ये बायसिंग यूज करते हैं तो उस केस में हमने देखा हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ दिस करंट गेन बीटा, सो नो प्रॉब्लम विल बी फेस्ड इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द ट्रांजिस्टर्स. ठीक है, एक हमने ये चीज देखी और दूसरा हमने ये भी देखा हाउ वी कैन फिक्स आईसी. इफ वी कैन फिक्स आईसी देन आर वीसीई जो है इट विल ऑल्सो बी फिक्स्ड. Now in this biasing, base voltage जो है हमारी BB, that is set up by the resistances R1 and R2 and the supply voltage as shown in the figure. ये just मैंने जो अभी बताया ये वहीं लिखा है. VB हमारा कितना आया था? That was R2 upon R1 plus R2 into VCC. ठीक है? So if we fix the base voltage, तो हमारी जो emitter voltage है is fixed approximately at the same voltage value as the base. Why? Because VB हमारा कितना है? VB जो है that is equal to VE plus VBE. Or you can say that VBE जो है हमारा that is equal to VB minus VE. So VE is equal to VB minus VBE. VBE is very small, so we can say VE is nearly equal to VB. तो अगर VB हमारा fix हो गया, तो हमारा VE जो है वो भी fix हो जाएगा approximately at the same voltage value as that of the base. मतलब VE जो है it will be nearly equal to VB. Now because of fixing of VE, what happens? हमारा जो IE है it will also be fixed because IE जो है that is equal to VE upon RE. Now the resistor RE determines the emitter and collector currents. RC जो है it determines the collector emitter bias voltage. The base voltage VB is best adjusted using the resistance R2, the collector current by using resistance RE and the collector to emitter voltage by using RC. Now, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है, हम जो base voltage VB है, उसको fix कर सकते हैं with the help of resistances R1 and R2. ठीक है, R1 जो है हमें ज्यादा रखना है R2 से, तो हम रेजिस्टेंस को फिक्स करके VB को फिक्स कर देंगे. VB को जब हमने फिक्स कर दिया तो VE फिक्स हो गया हमारा, और हमारा IE कितना होता है? VE upon RE. तो इसका मतलब हम एमीटर करंट और यू कैन से कलेक्टर करंट जो है उसको हम सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रेजिस्टेंस RE. VE हमारा फिक्स हो गया, तो हमें जितना कलेक्टर करंट रखना है उसके अकॉर्डिंगली वी कैन फिक्स द वैल्यू ऑफ RE. ठीक है, सो वी कैन एडजस्ट द कलेक्टर करंट विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस RE. अब हमने RE को सेट कर दिया, अब नेक्स्ट क्या है? कलेक्टर एमिटर वोल्टेज जो है अब हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस RC. RE को हमने सेट कर दिया टू एडजस्ट IC. ठीक है, RC को जो है हम सेट कर सकते हैं टू एडजस्ट RVCE. सो दिस इज हाउ वी कैन फिक्स आवर ऑपरेटिंग पॉइंट IC एंड VCE बाय फिक्सिंग द रेजिस्टेंसेस R1, R2,
RE and RC. And all these expressions, they are independent of the current gain beta. So we can say that our operating point is independent of the value of beta. So there is no problem if we replace one transistor by the another transistor of the same type if we are using this voltage divider biasing. Now, what is the merit of this biasing? As already stated, the collector current IC and the voltage VCE both are independent of beta. There are wide variations in the value of beta at the same temperature for the transistors of the same type available in the market. अगर हम एक ट्रांजिस्टर को दूसरे ट्रांजिस्टर से रिप्लेस करते हैं ऑफ सेम टाइप, उसमें भी देयर इज अ वाइड वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ बीटा. और हमारी जो एक्सप्रेशंस हैं कलेक्टर करंट की और कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज की, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा. तो अगर हमारा सर्किट में ट्रांजिस्टर जो है वो डैमेज हो जाता है, देन वी कैन इजिली रिप्लेस दैट ट्रांजिस्टर बाय द अनदर ट्रांजिस्टर ऑफ द सेम टाइप इवन इफ द वैल्यू ऑफ करंट गेन बीटा इज डिफरेंट. अगर दोनों ट्रांजिस्टर्स जो है उनकी बीटा वैल्यूज डिफरेंट है, तो उस केस में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी कैन easily replace one transistor by the another transistor of the same type, since in this kind of biasing both the collector current and the collector to emitter voltage, they are independent of the current gain beta. This is the biggest advantage of this kind of biasing. यही हमें चाहिए था कि हमारा जो operating point है वो जो है हमारा change ना हो. ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो हमारा चेंज ना हो विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन करंट गेन बीटा. यही जो है हमें चाहिए था और ये जो है हमने अचीव किया विद द हेल्प ऑफ दिस वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग. ठीक है, नाउ वी हैव टू डिस्कस दिस लास्ट बायसिंग, द एमिटर बायस सर्किट, दैट वी विल नाउ डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास.